सो हे गाइज, वेलकम टू माई चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई जस्ट होप गाइज कि आप सभी लोग काफी अच्छे होंगे। सो गाइज, आज है सैटरडे और मैं अभी रात के 11:30 बजे अपनी वीडियो बना रही हूँ। वो इसीलिए गाइज, मैं अपनी एक वीडियो को एडिटिंग करी थी, जो वीडियो मैंने थर्सडे यानी कि 21 जुलाई की बनाई हुई थी। उसमें मैंने मतलब उस दिन मैंने साड़ी भी एक वियर करी हुई थी, जो कि जिसकी वीडियो ऑलरेडी आप लोगों ने देख ली होगी, जिसमें मैंने ग्लव्स पहन के साड़ी वियर की थी। तो उसी दिन मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट किया था रात के टाइम पे, बट गलती से मेरे से वो मतलब जो रिकॉर्डिंग मैंने की थी वो डिलीट हो गई। वो गलती से मेरे से डिलीट हो गई और अभी मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ, उसको वापस तो ला नहीं सकती हूँ। बहुत कोशिश कर ली मैंने, मेरे को लगा कि वो शायद से मैंने अपने लैपटॉप से उसे डिलीट मारा उस फोल्डर को, तो मुझे लगा मे बी वो रिसाइकल बिन में होगा, बट वहां जाके भी देखा तो वो ऑलरेडी डिलीट हो चुकी थी। बट उस दिन मैंने मतलब आप लगा सकते हैं 3 से 4 मिनट की वीडियो थी मेरी, इंट्रो वीडियो थी वो। वो वीडियो तो अभी मेरी डिलीट हो चुकी है गाइज, तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं। मैं अभी एडिटिंग करते टाइम देख रही थी कि मेरी वीडियो गई, पर गई कहाँ। तब मुझे याद आया कि अरे वो तो मैंने उस दिन शूट की थी और वो फोल्डर मैंने ऑलरेडी डिलीट मार दिया था। अभी थोड़ा मूड खराब सा हो गया, बट छोड़ो। तो मैं अभी अपनी इस वीडियो को एडिटिंग कर रही हूँ और जो मेरी ये वीडियो आप लोग मेरी इस वीडियो को देखोगे, ये वीडियो मेरी है थर्सडे की, यानी कि 21 जुलाई की। और आप लोग सोचेंगे कि मैंने तो 30 की वीडियो इससे पहले डाल दी है, वो इसलिए डाला गाइस मैंने क्योंकि 30 की वीडियो डालना बहुत ज्यादा जरूरी था। अभी मेरे पास एक दो वीडियो और पेंडिंग पड़ी हुई है जिनको मैं अब जाके एडिटिंग कर रही हूँ और कल या परसों तक वो सारी वीडियो आप लोगों को दिख जाएंगी। तो चलिए, अभी मैं ज्यादा बातें नहीं करती हूँ और आप लोगों को इस वीडियो की मतलब जो मैंने थर्सडे को वीडियो बनाई थी वो वीडियो दिखाती हूँ। तो चलो देखिए आप लोग। तो गाइस, जिस दिन मैंने ये वीडियो शूट की थी उस दिन मैंने रात में बनाया था साबुदाने की खीर। तो यहाँ पे साबुदाने की खीर बनाने के लिए मैंने साबुदाने को पहले से ही भिगो के रख दिया था, 1-2 घंटे पहले ही भिगो के रख दिया था। और आप लोग देख सकते हैं ये बहुत अच्छे से भीग चुके हैं और बहुत अच्छे से, देख लो मैं तोड़ के भी दिखा रही हूँ, मतलब इन्होंने पानी अपने अंदर जो मतलब होता है ना अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया है। तो अब मैं यहाँ पे बनाऊंगी साबुदाने की खीर। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ड्राई फ्रूट लिए हुए हैं, काजू किशमिश बादाम लिए हुए हैं और साथ में मखाने मैंने लिए हुए हैं। काजू किशमिश बादाम को मैंने थोड़ा सा अच्छे मतलब थोड़ा सा छोटे छोटे काटे हुए, ज्यादा छोटे भी नहीं काटे बस नॉर्मली तरीके से काटे हुए हैं। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने गैस में रखा हुआ है दूध, और दूध में आप लोगों को जो ये येलो येलो दिखाई दे रही है ये मलाई है, क्योंकि मैं इसमें घी नहीं डालूंगी, ये मलाई है। तो इसको मैं अच्छे से दूध को, जब तक हमारा दूध उबलेगा नहीं तब तक मैं इसमें मतलब जो हमारा साबुदाना है उसे नहीं डालूंगी। तो गाइज, अभी आप लोग देख सकते हैं हमारा जो दूध है वो अच्छे से उबल चुका है। अब मैं इसमें साबुदाना ऐड कर दूंगी। साबुदाने को ऐड करने के बाद बहुत ज्यादा जरूरी गाइज ये होता है कि जब भी हम इसमें साबुदाना ऐड करते हैं तो हमें ये घुमाना होता है और गैस को मीडियम फ्लेम पे करना होता है, यानी कि हमने हाई फ्लेम पे गैस को कर दिया और साबुदाना डाल के बिल्कुल हमें छोड़ दिया है, नहीं। तो अभी सबसे पहले मैं यहाँ पे ड्राई फ्रूट जो भी मैंने रखे थे उसे मैं इसमें डाल दूंगी और इनको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी साबुदाना। साबुदाना जब तक मतलब 5 से 10 मिनट तक आपने साबुदाने को घुमाना ही है, अगर आप इसे ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये नीचे से लग जाता है, तो इसको घुमाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जब आपको लगे ये थोड़ा सा अच्छे से उबलना मतलब इसका फिर दोबारा से स्टार्ट हो जाए तो आप लोगों ने मीडियम को लो फ्लेम पे रख दें। तो आप लोग देख सकते हैं ये दूध अच्छे से उबलने लग गया है, हमारा साबुदाना भी इसमें अच्छे से मतलब मेल्ट होने लग गया है अच्छे से। मतलब जो साबुदाना होता है ना व्हाइट कलर का होता है, तो थोड़ा मतलब अजीब जेली कलर का हो जाता है, इसका कलर एकदम से चेंज हो जाता है, गोल्डन कलर का हो जाता है। तो वो हो चुका है, अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसमें ऐड करूंगी शुगर पाउडर। तो यहाँ पे मैं शुगर पाउडर 3 से 4 चम्मच ऐड करूंगी आए। तो अभी मैं इसको फिर अच्छे से घुमाती रहूंगी और फिर आप लोगों को, फिर उसके बाद मैं इसे 5 से 10 मिनट के लिए हल्के बिल्कुल लो फ्लेम पे करके इसे छोड़ दूंगी। 5 से 10 मिनट के बाद गाइज आप लोग देख सकते हमारी साबुदाने की खीर बनके रेडी हो चुकी है और बहुत ही अच्छी ये खीर बनी है, बहुत जल्दी बनती है गाइज, बिल्कुल भी इसमें टाइम नहीं लगता है। और अगर आप लोग का फास्ट है घर में तो आप लोग इस खीर को बना सकते हैं, ये खीर फास्ट वाले लोग भी खा सकते हैं, फास्ट में साबुदाना खाया जाता है जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही होगा। सो गाइज, ये भी उसी दिन की वीडियो ही है, शाम की मतलब मैं रात को मेहंदी भिगा रही थी क्योंकि मुझे अगले दिन मेहंदी लगाना था अपने बालों पे,
तो मैंने आपको बहुत कुछ बताया था इसमें भी, बट मेरा अभी बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है कि मैं वो सारी चीजें आपको सुनाऊं, तो मुझे अभी थोड़ा मेरा मूड खराब हो गया, इसलिए मैंने जो मेरी साउंड थी वो मैंने इसमें से कट कर दी। क्योंकि मेहंदी को भिगाने से पहले मैंने कुछ मेहंदी के बारे में आप लोगों को उस क्लिप में बताया था जो कि डिलीट हो चुका, तो अभी कोई फायदा है नहीं आप लोगों को ये साउंड सुनाने की कि मैंने किस तरीके से मेहंदी भिगाई, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स मैंने इसमें डाले, तो मेरा मूड अभी खराब हो गया है, इसलिए मैंने इसे फास्ट फॉरवर्ड कर लिया है। तो आप लोग बिल्कुल भी माइंड मत कीजिएगा इस चीज का गाइस, नेक्स्ट टाइम जब भी मैं मेहंदी लगाऊंगी आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूं। तो गाइस मैंने अपनी मतलब जो मेहंदी भिगानी थी वो भिगा लिया है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, और आप लोग सोचेंगे मैंने एकदम से कपड़े भी चेंज कर लिए हैं, वो इसीलिए किया गाइस क्योंकि साड़ी पहन के गर्मी बहुत ज्यादा हो जाती है, और अभी तो यहाँ पे क्या बताऊं, वैसे भी आज मुझे थोड़ा बहुत हेडक हो रहा है तो नहीं हो पाया मेरे से साड़ी वियर नहीं कर पाया, अभी चेंज कर लिया मैंने कपड़े, अपनी नाइट ड्रेस पहन लिए। सो अभी जस्ट मैंने अपनी मेहंदी मतलब पूरी भिगा ली है, देखती हूँ कल मैं इसमें नींबू ऐड करूंगी, नींबू ऐड करना बहुत ज्यादा जरूरी है, नींबू ऐड इसीलिए करूंगी जो डैंड्रफ की प्रॉब्लम है ना वो भी खत्म हो जाएगी, और जो मेरे हेयर फॉल हो रहे देख सकते हो आप लोग बहुत ज्यादा मेरे बाल रफी से हैं, परसों मैंने जो मतलब पैक लगाया था उससे थोड़ा बहुत सॉफ्ट मेरे बाल हो गए हैं, और डैंड्रफ की भी प्रॉब्लम काफी हद तक कंट्रोल हो गई है, मतलब डैंड्रफ है ही नहीं अब तो, बट हेयर फॉल थोड़ा बहुत हो ही रहा है, तो मैंने सोचा मेहंदी लगा लूं, और बालों का देख सकते हो आप लोग हाल बहुत बुरा हाल है। तो चलिए अभी ज्यादा बातें नहीं करती हूँ और आप लोगों को सीधा मिलती हूँ कल मॉर्निंग में, ओके तब तक के लिए बाय बाय। गाइस वेलकम टू माय चैनल, कैसे हो आप सभी लोग, आई जस्ट होप आप सभी लोग काफी अच्छे होंगे। सो गाइस अभी मतलब कल मैंने अपनी वीडियो नाइट में कंटिन्यू की थी, तो अभी मतलब मॉर्निंग का टाइम है और अभी बज दिए हैं सुबह के 10:30 और मैं लगाने जा रही हूँ मेहंदी, और देखिए मेरी मेहंदी कितनी ज्यादा मतलब अच्छे से ये मेल्ट हो चुके, देख रहे हो, और बहुत प्यारी इसकी जो खुशबू है ना क्या बताऊं, ये देखो देख रहे हो, आपको दिख रहा होगा, ये देखिए बहुत ज्यादा अच्छा सा इसका थिक सा पेस्ट बन गया है ये देखो, और ये आसानी से मेरे बालों में लग भी जाएगा, और इसमें एक भी मतलब वो बबल्स नहीं है जैसे मतलब दाने नहीं होते हैं, वो एक भी दाने इसमें नहीं है। और अब मैं इसे अपने बालों पे लगाने जा रही हूँ, मैंने इसमें आधे घंटे पहले नींबू डाल दिया था जो कि मैं बना नहीं पाई, बट मैंने इसमें नींबू मिला लिया है और आधे घंटे हो चुके हैं नींबू को इसमें ऐड हुए है, और अब मैं इसे अपने हेयर पे लगाऊंगी, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा बहुत आप लोगों के साथ शेयर भी कर लूं, ज्यादा नहीं थोड़ा सा ही शेयर करूंगी। तो यहाँ पे मैंने लिया हुआ एक टॉवल, और आप बोलोगे आपने ये नाइट ड्रेस, क्योंकि ये नाइट ड्रेस थोड़ा पुरानी है तो चल जाएगा, अगर मेहंदी का कलर इस पे लग जाएगा तो चल भी जाएगा। सो साथ में मैंने लिया हुआ है टॉवल, ये भी पुराना टॉवल है, तो अभी मैं इस टॉवल को पहले अपने पास रखूंगी ऐसे करके। सो टॉवल मैंने रख लिया है, अब मैंने अपने बालों को खोल लिए हैं, और अभी मैं अपने बालों के स्कैल्प जैसे मैं बताते हैं स्कैल्प से ही स्टार्ट करूंगी, तो अभी मैं करूंगी यहां से स्टार्ट। सो यहां पे मैं ले रही हूँ ग्लव्स, मेरे पास था एक ग्लव्स तो मैं इसे ले रही हूँ, एक ही हाथ पे लगाऊंगी, दूसरे हाथ पे तो कलर चढ़ना ही है क्योंकि एक ही ग्लव्स है तो चल जाएगा। सो चलो स्टार्ट करते हैं अपना मेहंदी लगाना, तो कुछ इस तरीके से मैं यहां से स्टार्ट करूंगी, पीछे से ही स्टार्ट करूंगी क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया मुझे स्कैल्प पे ज्यादा लगाना है ये, ताकि जो मेरी बालों में जो वो चढ़ गया है ना, मेरे बालों की जड़ें जो हैं वो मजबूत हो जाए, और मेहंदी में जो भी इंग्रेडिएंट्स मैंने डाले ये इंग्रेडिएंट्स आसानी से मेरे बालों पे लग जाए। तो गाइस कुछ ऐसे ही करके मैं सारे बालों पे अपने लगा लूंगी, देख सकते हैं आप लोग ऐसे करके मुझे लगाना है, थोड़ी थोड़ी सी अपने बालों की वो लेनी है और ऐसे करके मैं इसे लगाती रहूंगी। तो चलिए ऐसे मुझे नहीं लग रहा कम्फर्टेबल, मुझे मिरर की जरूरत पड़ेगी क्योंकि मैं इसमें देख के नहीं लगा पाऊंगी, तो मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में जब मैं अपने पूरे बालों पे मेहंदी लगा लूँ। गाइस मैंने अपने पूरे बालों पे मेहंदी लगा ली है, और ये थोड़ा सा पानी छोड़ रहा है क्योंकि गर्मी है, जैसे मैं आपको बता ही चुकी हूँ गर्मी हो रही है बाहर, तो थोड़ा थोड़ा ही पानी छोड़ रहा है, और ये देखिए मैंने इस हाथ पे ग्लव्स नहीं पहने थे और कलर चढ़ गया मुझे, और ये हाथ फिर भी ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे लगा हुआ बट इससे कलर चढ़ गया। तो अभी मैं इसे 2-2.5 घंटे तक रखूंगी, ज्यादा नहीं रखना है मुझे, 2-2.5 घंटे बाद अपने बालों को मतलब हेयर वॉश कर लूंगी, उसके बाद देखूंगी कलर कैसा आया हुआ है। सो मैं आपको एक चीज यहाँ पे और बताना चाहूंगी, जब भी गाइस आप लोग मेहंदी लगाते हो ना, तो मेहंदी लगाने से एक दिन पहले अपने बालों को अच्छे से साफ करके धो लेना चाहिए, यानी कि शैम्पू, अगर आप शैम्पू यूज करते हो तो शैम्पू यूज करके अपने बालों को साफ करके धो लेना चाहिए, और नेक्स्ट डे आपको मेहंदी लगानी चाहिए, और जिस दिन आप मेहंदी लगाते हो उस दिन आपको ना ही शैम्पू लगाना है, ना ही कंडीशनर लगाना है, ना ही कोई साबुन लगाना है, बस बालों को, बस मेहंदी को बालों से उतारना है और सुखा देना है, मतलब साफ से निकाल देना है मेहंदी को, सुखा देना है, और फिर उसी नाइट को मतलब जिस दिन आपने मेहंदी लगाई है उसी नाइट को या फिर नेक्स्ट मॉर्निंग में आप लोगों ने 1 घंटे पहले अपने बालों पे ऑयल लगा लेना है, और फिर अगले दिन
बालों को धो लेना है शैम्पू से। कुछ इसी तरीके से मैं अपने बालों पर मेहंदी लगाती हूँ, तो मैंने सोचा चलो जब लगा ही रही हूँ तो आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं। तो लग चुकी है मेरी मेहंदी, थोड़ी बहुत पानी आ ही रहा है, मतलब नीचे को ऐसा लग रहा है ना कि मुंह पे आ जाए, बट अभी मैं इसी के सामने बैठी हूँ, मे भी थोड़ा सूख जाए। वैसे भी जैसे मैंने कल आपको बताया था मुझे हेडेक हो रही है, वो मेरी कमी नहीं हो रही है क्योंकि गर्मी की वजह से शायद मे भी हो सकता है, तो वन साइड का मुझे होता है, तो अभी शायद से सही हो जाए, इसीलिए थोड़ा दिमाग ठंडा रहे इसको लगा के, मेहंदी लगा के बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है। तो चलो मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में, वैसे भी मैं नाश्ता वास्ता करके आ गई हूँ, अभी मेरे को थोड़ा वीडियो एडिटिंग करनी है, आज मे भी मेरी एक वीडियो जाएगी, बाकी चलो मिलती हूँ आपको बाद में। सो गाइस, मैंने हेयर वॉश कर लिए हैं और मेहंदी का कलर आप लोग देख सकते हैं बहुत अच्छा कलर आया है मेहंदी का, बट अभी बाल सूखे नहीं है, सो हेयर वॉश करके आ चुकी हूँ मैं, और अभी मैं जा रही हूँ लंच करने क्योंकि 2:30 बज गए हैं और मुझे भूख भी लगी है, तो लंच करने जा रही हूँ, फिर मैं आप लोगों को मिलती हूँ, ठीक है। तो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अभी हो रही है सुबह की 7:30 और आप लोग देख सकते हैं कल मैंने मेहंदी लगाई थी ना, तो कल रात मैंने ऑयल लगा लिया, अभी मैंने धो लिए, वॉश कर लिए, शैम्पू लगा लिया, और मेरे आंखों में थोड़ी बहुत स्वेलिंग लग रही है आपको। स्वेलिंग इसलिए क्योंकि सुबह सुबह उठ के एकदम से हो जाता है ना मुँह, आपको पता है। तो मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ गाइज, यहाँ पे ना जैसे मैं बाहर आई, वाह यहाँ का मौसम ऑसम हुआ है, दिखाती हूँ आपको। देख रहे हो गाइज, आज यहाँ भर भर के बरसात आ रही है, भर भर के बारिश आ रही है, देख रहो बिल्कुल तेज वाली बारिश आ रही है, और ये बारिश लग रही है मतलब ये सुबह के 5 बजे से आ रही है, तो लगा लो आप 5-6-7 3 घंटे तो हो गए, 3.5 घंटे हो गए, अभी पता नहीं कब तक चलेगा वेदर, देखो वाओ। आज जाके थोड़ी सी हमें राहत मिली इस गर्मी से, थोड़ी सी, क्योंकि यहाँ थोड़ा अंदर भी ठंडा हो गया ना, देखिए ये देखिए बड़ी तेज वाली बारिश आ रही है। आप लोगों ने बहुत तेज यहाँ पे बारिश आ रही है, हम तो थोड़ा बारिश के मजे लेते हैं, मजे तो क्या, क्योंकि ऐसी बरसात में बोलते हैं लोग नहाना धोना नहीं चाहिए, अगर हम लोग ऐसे बरसात में भीग जाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, इसीलिए अभी जस्ट मैं अपना नहा धो के मतलब फ्रेश फ्रेश होकर फिट हो गई हूँ, अभी जा रही हूँ नीचे और देखती हूँ आज क्या बनाती हूँ सुबह का ब्रेकफास्ट, वैसे तो आज देखते हैं क्या बनाते हैं। सो गाइज, 9 बज चुकी है और मैं हूँ अपने किचन में, सो आज मैंने 2 सब्जियां बनाई हैं, और आप लोग सोचेंगे मैंने आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर नहीं की क्योंकि ऑलरेडी कर चुकी हूँ, दोबारा क्या करूँ, तो दिखाती हूँ आपको क्या बनाया है। ये देखिए आज मैंने बनाई है घिया और न्यूट्री की सब्जी, जो कि मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे इसकी रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, और वहीं दूसरी सब्जी मैंने बनाई है बीन्स और आलू की, इसकी बहुत ज़्यादा टेस्टी सब्जी होती है, इसकी रेसिपी नेक्स्ट टाइम शेयर करूँगी, बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है गाइस इसकी सब्जी और मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, देखिए। तो अब मैं यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, मैंने यहाँ पे तवा चढ़ा लिया है, आटा गूंदा हुआ है, अब मैं बनाने वाली हूँ रोटी, तो चलिए आप लोगों के साथ रोटी भी शेयर करती हूँ अपनी। तो गाइस चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे रोटी बनाती हूँ, वैसे तो गोली बनाती हूँ, बट एक बार आप देखिए मैं गोल बनाती हूँ, देखिए ये बनाई है मैंने रोटी, गोल है ये नहीं है, बताओ, ट्राईपॉड नहीं लाई हूँ इसलिए यहाँ, अभी मैं यहाँ पर ट्राईपॉड नहीं लाई हूँ इसलिए फोन को मैं सेट नहीं कर पा रही हूँ, तो आप लोगों को ऐसे ही दिखा रही हूँ। तो चलिए पहले फटाफट रोटी बना लेते हैं, इसके बाद गाइज मैं आ चुकी हूँ ऊपर, और अभी टाइम हो रही है रात की 11 बजने वाली हैं, यानी कि 10:45 हो गई है, सुबह जस्ट अभी अपना खाना खा के आई हूँ, यानी कि डिनर करके आई हूँ, और आप लोगों ने देख ही लिया होगा आज हमने डिनर में क्या बनाया था, तो आज हमने जो लेंथी हो ही गई है, मैं बोल बोल के तो मैं वैसे भी कोई फायदा नहीं, मैं डेली बोलती हूँ और हो ही जाती है, वो वीडियो लेंथी तो हो ही गई है, बट अब क्या करें।
सो अब मैं ज्यादा बात नहीं करूंगी, यहीं पे वीडियो को एंड करती हूँ गाइज, और मिलती हूँ आप लोगों को अपने एक और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय गाइज, सी यू सून, लव यू ऑल, गुड नाइट।